नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो गाइज, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से त्रिभुज के अंदर सूरजमुखी के पुष्प कलियों व पत्तियों के संयोजन से बना सुंदर आलेखन बनाना सिखाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। एक बड़ा सा त्रिभुज बनाइएगा। त्रिभुज बनाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सर्किल बनाना होगा। एक सर्किल आप इस साइड ऐसे बना देंगे, एक बराबर बनाइएगा, यहाँ पर एक ऐसे सर्किल बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर से आपको ऐसे एक लिप्स बनाना होगा। जस्ट इसी के नीचे ही एक लिप्स आप यहाँ पर ऐसे बना देंगे। इस साइड एक बनाइए, एक आप इधर बनाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसी तरह दोस्तों, सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करेंगे। एक ऊपर के साइड में लिप्स, एक नीचे की तरफ, इधर भी आप ऐसे कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये हमारी गारंटी है दोस्तों, आपको त्रिभुज के अंदर आलेखन बनाना आ जाएगा। इसके बाद जस्ट जहाँ पर बीच में गैप है, इस गैप को भी हम इस खूबसूरत सी पत्तियों के साथ फिल कर देंगे। इधर भी आपको गैप दिख रहा है तो इसको भी आसानी से आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर भी ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पत्तियाँ बनाते जाइए। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, इधर आपको गैप दिख रहा होगा दोस्तों, इसको भी हम इस फ्लावर की पत्तियों से फिल कर देंगे। बीच में इधर भी आप आसानी से ऐसे फिल करते जाइएगा। इधर ऐसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें इधर से देखिएगा, यहीं से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और एक लाइन आप इधर ऐसे घुमा दीजिए ऊपर के साइड में। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से एक लाइन यूँ बढ़ाना होगा और ये वाली लाइन भी आप यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद ये वाला पोर्शन आप डबल कर दीजिए और इधर भी आप ऐसे डबल करेंगे। यहाँ पर भी आपको डबल करना होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे डबल करिए, ये वाली लाइन भी आप डबल कर दीजिएगा। यहाँ से आपको खूबसूरत सी पत्ती बनाना होगा। इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए इस साइड भी आप ऐसे बढ़ा देंगे। सेम प्रोसेस आप इस साइड भी रिपीट करिएगा। देखिएगा, यहाँ से ऊपर और इधर से यूँ मिला देंगे, बन जाएगी आपकी प्यारी सी पत्ती। इधर भी आपको पत्तियाँ बनाना होगा। इधर से ले जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाइए, सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर देंगे। इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए मिला दीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद देखिएगा, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे घुमाइए और इधर भी आपको नीचे के साइड में यूँ घुमाना होगा और इसको कर देना होगा डबल। यहाँ पर भी डबल कर दीजिए। अभी हम लास्ट में इसको कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। इधर कर दीजिए आप ऐसे ओवल शेप बना दीजिए, यहाँ पर भी बना दीजिएगा। नीचे के साइड में आप इस फ्लावर की कलियाँ बना देंगे, इधर से भी आप कलियाँ बना दीजिएगा। और दोस्तों, आपको हम एक बात बता दें, आप इसको मार्कर की हेल्प से बिल्कुल भी मत बनाइएगा, इसको आप पेंसिल की हेल्प से ही बनाइएगा। ऊपर के साइड में देखिएगा, एक लाइन यूँ बढ़ाइए, इसको भी कर दीजिए डबल। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाइए और यहाँ से कर दीजिए डबल। अब हमें इधर भी एक फ्लावर बनाना है और यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा फ्लावर बनाना होगा। जैसे आपने इधर बनाया, इसी तरह ऊपर भी बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा, एक इधर पत्ती बना दीजिए, एक नीचे के साइड में यूँ, पहले चार तरफ आप बना लीजिएगा। इधर भी बना लीजिए चारों तरफ, इधर नीचे के साइड में यूँ इधर हो जाएगा और यहाँ पर, और बीच में जो आपको गैप दिख रहा हो इसको भी आसानी से फिल कर दीजिए। इधर भी आप ऐसे आसानी से दोस्तों फिल कर दीजिएगा, नीचे के साइड में बढ़ा दीजिए। और इधर ऊपर ले जाएंगे, इसको करेंगे डबल, यहाँ से भी आप ऐसे डबल कर दीजिए। आपने जैसे यहाँ पर बनाया था नीचे, इसी तरह ऊपर के साइड में भी बना दीजिए और यहाँ पर भी आप कलियाँ बना देंगे, छोटी सी लाइन, एक लाइन इधर। अब दोस्तों, हमें इधर से देखिएगा, इसको ऐसे घुमाना है और डबल करते हुए नीचे की तरफ करना होगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, यूँ घुमाइए और डबल कर दीजिए। और गाइस, इधर से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हुए डबल कर दीजिए, यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। अब हमें एक पत्ती बना देना होगा यहाँ पर और एक लिप्स आप यहाँ पर भी बना दीजिएगा। और इस पत्ती के आगे के सिरे से यहाँ पर भी आप ऐसे घुमाते हुए इसको डबल कर देंगे। इधर भी आपका स्पेस है तो आप इधर भी ऐसे घुमा दीजिएगा।
इस पत्ती के साथ भी आप सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। इधर से घुमाएंगे, यूं यूं डबल करिए। तो गाइज ये हमारा बहुत ही आसानी से त्रिभुज में आलेखन बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं। कलर करने से पहले दोस्तों आपको हम बता दें, आप इसको वाटर कलर से ही कलर करिएगा। हम यहाँ पर ब्रश पेन का यूज करेंगे। तो चलिए कलर करना शुरू करते हैं।